अस्मदीय गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज अनंत कोटि वैष्णव वृंद शुद्धि भक्त वृंद समस्त चरण से अधमर यथाथ प्रणाम। आम मैंने गत अध्याय आलोचना करुले व्यासदेव अज्ञान लोक मान को उद्धार करने जीव भगवान माया एवं संसार दशा संबंध में ज्ञान नथिवा लोक मानी भक्ति कले भक्तिमय ग्रंथ जहाँ श्रीमद भागवत महापुराण को रचना कले एवं ये ग्रंथर महात्मा कहते जस्यां वैश्रूयमाणायम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोको मोह भयापह। ये भागवत केवल श्रवण कले कृष्णकर चरण कमल भक्ति जाग्रत हो जाए आउ जो भक्तिर उदाहरण दे कौन भक्तिर महात्म्य कथा कहते ये भक्ति यदि हृदय सृष्टि हेले शोको मोह भय पलिजी। गत काली आम मैंने आलोचना करते गत अध्याय शोक पल शोक कौन ये शोक हो गत चिंता दुख मध्य चिंता करी करी भाभी भाभी से अग्नि रे दग्धीभूत होवा जो शोक आउ भय ए जगत रे जिते प्रकार भय अच्छी सबुठ विशेष भय हूँ मृत्यु मृत्युर भय। किंतु मृत्यु मध्य आसवा पूर्व हरि भजन न करी केवल मनुष्य जीवन रे बंची रहिले मृत्यु आसवा पूर्व वार्निंग देके आसे सतर्क सूचना घंटी बजे के आसे प्रथम घंटी बाजे बाल धला कलर हो जाए पाची जाए तेबे सूचना दौंस मृत्यु जे वर्तमान पहुँचवा अवस्था है वर्तमान तुम्हें प्रथम घंटी बाजिला प्रथम घंटी बाजिला बाल पाचीगला हरिभजन कर दशरथ महाराजा गोटे कान मूल से देखिले बाल पाचीगला कहे ना वर्तमान मोर राज्य गदी गादी मो राज्य शासन राम को ऊपर दे मो हरिभजन करने बानप्रस्थी होजी विचार कले दशरथ महाराज तेणु मृत्यु किंतु प्रथमे आजिकालिकार जीव मनीष को जिते घंटी बाजिले शुणवार ना बाल पाचीगला कि माने ना ना बाल पाचीगला बार्धक्य आसीगला मत हरिभजन करने को पड़ा ना ओल्टा कला मारिदे बाल को धला बाल को कला कर दे देखे हुए ना ना मुझे युवक अवस्था अच्छी किंतु जहा करंतु प्रथम घंटी बाजिला पर तो मृत्यु आहुरी आश्चर्य हो जाए बाबरे बाप घंटी बजेली सुविलानी द्वितीय घंटी बजाए जे बिना दांत सब बेदांती हो जाए दांत बत्तीस दांत बाहर को पलि आसे कहले बाबा बुढ़ा अवस्था पलि आसला वर्तमान तुम्हें डालिया खाई अन्न डाली तरकारी सबकि खाला गर्व अभिमान है भोग बुद्धि से भी भोग करुच वर्तमान दांत पड़गला द्वितीय घंटी मृत्यु आसवा पखे आसला हरिभजन कर डालिया खाई से कहे ना ना किंतु जीव भजन करने बदल बिना दांत बाहर की पलिगला प्राकृतिक दांत ये कृत्रिम दांत लगे दिए बतीशी दांत जहाँकि प्रथम दांत ठार आहरी सुंदर किंतु हरिभजन करे ना किंतु मृत्युदेवी पुणी तृतीय घंटी बजाती तृतीय घंटी होची आखि की देखा जीवा कम हो जाए किंतु जीव तथा तो शुणे नी भगवान बाबा बाहर वस्तु देखा कम कर दियो भगवान कृष्ण वस्तु को देख भितर देखा आरंभ कर पाप कली केते पुण्य कली केते पाप पुण्यर विचार कर हरिभजन करने आग को बढ़ किंतु जीव तथा तो ताक विचार करे नी चश्मा व्यवहार करनी चश्मा टेस्ट करनी जीवा मृत्युदेव मृत्यु पुणी आउ थे भय देखाती चतुर्थ घंटी बजाती जे तीन जगार बांक हो जाए अंटा पड़ी जाए नित्य ओम बुद्ध ओम सुखी ओम तार जो अहंकार थाए से अहंकार को भांगापी किंतु अंटा मध्य पड़ जाए तथापि जीव शुणे मृत्यु पलि आसो ता भाविए यहाँ हूँ आश्चर्य जे चारि वर्षर छोट छुआ मध्य मरी जाए किंतु अशी वर्षर बुढ़ा मध्य मोर मृत्यु हम ना से कथा चिंता करू था किंतु तृतीय आश्रय लाठीर आश्रय नहीं कि चले सिना किंतु हरिभजन करेनी जिते चारि चारि घंटी बाजिला परे न शुणे
मृत्युदेव पूरा घंटा बजे दियंती, आया है जो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बघा जंजीर। कले जी आसी चंती जीवा को पड़ीब, मृत्यु निश्चित भावरे हब, राजा हो कि रंक हो, किए सिंहासन चढ़ी की वैकुंठ को जीवे तो आउ किए कुकेरे बसी कुकेरे चढ़ी स्वर्ग द्वार को बा श्मशान घाट को जीवे। अतएव आज जीवा जीव पाखरे मृत्युर भय अच्छी, किंतु आज आम मैंने समस्ते समस्ते डरती मृत्यु को, किंतु कहते भागवत जदि शुणब जड़े केवल शुणिले शुणा आरंभ कले कृष्ण परम पुरुष कृष्ण चरण कमल भक्ति उत्पद्यते भक्ति जन्म नहीं जाए। कस्यां वैश्रूयमाणायं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापह। भागवत केवल शुणिले जो भाव गर्भाधान संस्कार गोटे संतान जन्म हेबा ठारु संतानटा जन्म हुए नी, गर्भाधान संस्कार हेबा ठारु संतान जन्म आरंभ हो जाए। गोटे भक्तिलतार बीज जो भाव तार अंकुरोद्गम हेबा ठारु ही लतार जन्म आरंभ हो जाए, तद्रूप ये भक्ति भागवत शुणा आरंभ हेले भक्ति कृष्ण चरण कमल भक्ति हेबा आरंभ हो जाए। तेणु कहुए भागवत पिबत भागवत रसमालय मुहुरहो रसिका भुविभावुका। भागवत केवल शुणा दरकार, शुणिले भक्ति हो जाए। तेणु ये भागवतर महात्म्य हूँ भागवत शुणिले कृष्ण पाखरे कृष्ण चरणार बिंदर भक्ति जाग्रत हो जाए। कहले भक्ति लभे कृष्ण पादे, सीए या जदि केवल श्रवण कर जीव ताहले कृष्ण पाद कमल भक्ति हो जाए। न पड़े शोक मोह द्वंदे, एवं भय शोक मोहरे आउ पड़े ना, अर्थात भगवत भक्त लोक भगवत वैकुंठ धाम को से पड़े जाए भगवत धाम को। भगवत धाम रे अशोक अभय अमृत ये तीनटार विरोध वस्तु से जगह, अशोक अभय अमृत आधार तुमार चरण दय ताहाते एखन आश्रय लभिला छाड़िलु भवेर भय। विशेष करी भव संसार जो भय वैकुंठ धाम रे अभय अच्छी, यही धाम रे मृत्यु अच्छी, वैकुंठ रे अमृत अच्छा सेठी मरवा को पड़े नी, एटी शोक अच्छी सेठी किंतु अशोक कुंठा सेठी बिल्कुल नहीं, न कुंठा विगत कुंठा वैकुंठ। अतएव ये भागवतर एत सुंदर महिमा श्रवण कर सारापर सुत महर्षि पचारे या पूर्व आपण कही भागवत को सी सुखदेव गोस्वामी पाद को शुणी, किंतु आम आपण कहते सुखदेव गोस्वामी पाद जन्म होगा परे परे जंगल को पलै गले हरिभजन करने पुणी से आसिले केमती से संबंधे आप कहतु। सी तो आत्माराम मुनि परमहंस साधु निर्विकार संत निर्विकारी संत सी निर्भेद ब्रह्म ज्ञानी थिले सुखदेव गोस्वामी पाद। सीए पुणी जगतर कौनसी वस्तु सहित जहाँ कौनसी प्रकार मतलब ही ना, तेबे इत्ते आत्मा काम आप्त काम परम निष्काम पूर्ण काम जन्मजात परमहंस आत्माराम जी निज आत्मार जी रमण करती विहार करती आत्माराम साधु सुखदेव गोस्वामी पाद सीए कि भाव ये भागवत ग्रंथ पढ़ा को आगमन कले आप कहतु। व्यास सुत गोस्वामी पाद कहते आत्मा रामश्च मुनय निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति इत्थं भूतो गुण हरिः। आत्मा रामश्च मुनय कले आत्मा राम जी मुनि माने यही श्लोकर विशेष व्याख्या श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ रे देखा जाए। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जे प्रतापरुद्र देवंकर पुरोहित थिले, ए दुहिंक मध्यरे कथोपकथन होगा समय
ଏହି ଶ୍ଳୋକର ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ରାମଶ୍ଚ ମୁନୟର ଶ୍ଳୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସାରଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାଗରେ ସାତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସିଏ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଚଉଦ ପ୍ରକାର ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚଉଦ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଶ୍ଳୋକର। ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଯାହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଳୋକ। କହିଲେ ଆତ୍ମା ରାମଃ ଚ ମୁନୟଃ ଚ, ଇଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରାମ। ଆତ୍ମାରାମ ମୁନିମାନେ, ଆତ୍ମାର ଛଅଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେହ, ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମନ। ଏବଂ ଇଏ ଆତ୍ମା ରାମ, ରାମ ମାନେ ରମଣ କରିବା, ବିହାର କରିବା, ସେଥିରୁ ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ନିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମରାମ ଯୋଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆତ୍ମ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ରମଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଆହୁରି କ'ଣ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ତାଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼େନି, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି, ସେ ଆତ୍ମାରାମ ଯୋଗୀ ସେମାନେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ରମଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କଳିଯୁଗର ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଦେହଧ୍ୟାସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଦାବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଟୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋଲୁପ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବଶୀଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରାମ ଏବଂ ମୁନୟ ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁନି। ମୁନିମାନେ ମନନଶୀଳ, ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ମନନଶୀଳ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନନ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଆତ୍ମାରାମ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ କୁରବନ୍ତି ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି, ଇଏ ଅହେତୁକି ଫଳ ଅଭିସନ୍ଧି ରହିତ, ଫଳ କାମନା ନ ରଖି ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ସାଧନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଇଥମ୍ ଭୂତ ଗୁଣ ହରି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ବୈଚିତ୍ର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆକର୍ଷୟତି କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି। ସିଏ ଆତ୍ମାରାମ ମୁନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଭଗବାନ ଇଏ ଭାଗବତର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେ, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଏତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଇପାରେ। ଅତେବ ଇଏ ଆତ୍ମାରାମ ମୁନିମାନେ ଏବଂ ଦେହରେ ରମଣ କରୁଥିବା ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବିହାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିହାର କରୁଥିବା ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମୁନିମାନେ, ଏଇ ଜଗତକୁ ମନନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ ବିମୋହିତ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ, କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ନାମରେ ମତୁଆଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚାର ଆଉ ଗୁଣ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇବା ଆଉ ବୋଲିବା।